आज कोई एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, पहले चीज नोटपैड या कोई टेक्स्ट एडिटर ओपन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये मैंने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया था, फॉन्ट का थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, लगभग इतने पे आप लोगों को अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो HTML स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले HTML टैग लगेगा, वो कैपिटल स्मॉल किसी में भी हो सकता है। मैंने कल एक सेंटेंस बोला था कि HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, मीन्स ये केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे हमने लिखा है HTML और ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ये सबसे पहला टैग होता है। मैंने एंटर प्रेस किया, अगले बार में एक टैग होता है हेड टैग। हेड टैग का क्या काम होता है, हेड टैग का काम अगर आपको कोई हेडिंग या उसका कोई टाइटल प्रोवाइड कराना है हेडर में, तो हम हेड टैग यूज करते हैं, ये ऑप्शनल टैग है। हमने यहाँ पर एक टाइटल यूज किया, टाइटल में मैं लिख देता हूँ क्लास 10th, ठीक। और टाइटल को क्लोज करना है तो सेम लाइन में जितना बड़ा हमको टाइटल रखना है उसके बाद मैंने, देखिए टाइटल रखने में मैंने क्या किया, सिर्फ एक स्लैश सिंबल एक्स्ट्रा लगाया है। किसी भी टैग को ओपन और क्लोज में डिफरेंस केवल स्लैश सिंबल का होता है। इसके बाद मेरा हेड क्लोज होगा, हेड क्लोज मैंने कर दिया, ठीक है। मैं देख, इसके बाद मेजर है जो बॉडी टैग, ये बॉडी टैग मैं कैपिटल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी ठीक मिले। बॉडी टैग के बाद जो भी टैग यूज किए जाएंगे और जो भी कंटेंट यूज किया जाएगा वो कहाँ दिखेगा, ब्राउजर पर। चलिए बॉडी टैग को हम लोग यूज कर रहे हैं, बॉडी टैग के बाद जो कुछ भी लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए पी टैग होता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक, फुल स्टॉप। मैंने मुझे यहाँ पैराग्राफ को ख़त्म करना है, क्लोज करना है, तो मैं यहाँ पर पी टैग को क्लोज कर दूंगा क्लोजिंग के लिए। ऐसे कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक स्मॉल पी यूज किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर अगर हम यहाँ पर एक br टैग यूज करते हैं तो br टैग लिखते हैं, br टैग एम्प्टी टैग है तो इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। कंटेनर टैग में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है, और कंटेनर टैग में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है, जबकि एम्प्टी टैग में केवल ओपनिंग रिक्वायर्ड है, क्लोजिंग की जरूरत नहीं, और ना ही उसमें कोई कंटेंट डिस्प्ले होना होता है। इज इट क्लियर। मैं इसके आगे अगर और कुछ लिखना चाहूँ, दूसरा पैराग्राफ एक बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेलकम इन न्यू माई न्यू वेब पेज, मैंने केवल ये दो लाइनें लिखी, यहाँ पर पैराग्राफ क्लोज कर दिया है मैंने। इसके बाद मैं बॉडी टैग यूज करता हूँ, बॉडी टैग को क्लोज करना है, बॉडी टैग क्लोज हो गया। देखिए HTML सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तो हमने उसको सबसे लास्ट में क्लोज किया, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, स्लैश सिंबल यूज करेंगे। हेड क्लोज हो चुका था, टाइटल उसी लाइन में क्लोज कर दिया था, हेड भी क्लोज हो गया था उसी के बाद। फिर बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज हुआ। HTML सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और सबसे लास्ट में क्लोज हुआ। HTML टैग ही बताता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के लिए फाइल मेनू पे गए, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पर इस फाइल का कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ ABC। इसके बाद डॉट हमको HTML लिखना पड़ेगा, कोई भी फाइल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लास्ट में आपको .html एक्सटेंशन जरूर ऐड करना है, ठीक है।
और हम इसको यहाँ पर जैसे .html लगा के सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक वेब पेज बन जाएगा। देखिए मैं इसको डेस्कटॉप पर जा करके दिखाता हूँ आपको, इसको मिनिमाइज मैंने किया और यहाँ पर देखिए ये चूँकि इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक सिंबल बन के आ रहा है, इसको मैं ओपन अगर करता हूँ डबल क्लिक करके तो ये देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके ओपन हुआ। ध्यान दीजिए जो मैंने टाइटल लिखा था क्लास टेंथ, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्लास टेंथ लिखा आ रहा है ना। फिर मैंने दो कंटेंट लिखे थे, पहला पैराग्राफ लिखा था दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, इसके बाद मैंने बी आर टैग यूज किया था, तो बी आर मतलब लाइन ब्रेक करने के लिए है, न्यू लाइन के लिए है, तो यहाँ पर न्यू लाइन क्रिएट हो गई। दूसरा एक मैंने लिखा हुआ था एक सेंटेंस, वो डिस्प्ले हो रहा है। यानी हम लोग ये समझ गए हैं कि नोटपैड पर हम जो टाइप करते हैं वहाँ पर वो टैग डिस्प्ले नहीं होंगे, केवल ये डिस्प्ले होना है जो कंटेंट लिखा। देखिए इतना ही तो कंटेंट था हमारा, यही दो लाइनें कंटेंट की थी, यही दो लाइनें वहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। टाइटल बार में मैंने जो कुछ भी लिखा था ठीक है वो दिख रहा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ टाइटल चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ माई फर्स्ट पेज, मैं टाइटल चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैंने सेव किया ठीक है, वापस जाते हैं इस पर, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए वहां पर जहाँ क्लास टेंथ लिखा था वहाँ माई फर्स्ट पेज आ गया। इट मीन्स आप समझ गए हैं कि जो भी टाइटल में हमको जो डिस्प्ले कराना है उसको हम लोग टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे, टाइटल टैग के बीच में लिखेंगे। तो दो तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई कि बेसिक टैग कौन कौन से हैं जो आपको लगाने ही हैं। जैसे आपको HTML सबसे फर्स्ट टैग आपको HTML लगाना है, इसके बाद हेड, हेड के बाद टाइटल, हेड और टाइटल ये दोनों ऑप्शनल टैग हैं, आप अगर यूज नहीं करते हैं। मान लीजिए मैं इनको हटा देता हूँ, मैं इनको हटा देता हूँ, देखिए मैंने इनको हटा दिया ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। वापस अगर हम उसी स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वहाँ जहाँ माई फर्स्ट वेब पेज लिखा ये देखिए हट जाएगा, वहाँ पे केवल फाइल का नाम आ रहा है abc.html। इन्हें हम टाइटल देना चाहते हैं तो उसको देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, अदरवाइज प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे आज केवल बेसिक टैग आपको बताने थे। अब एट्रीब्यूट यूज करते हैं, मैंने कल एक और भी बताया था टैग एंड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता क्या है, एट्रीब्यूट एक्चुअल में जो टैग होते हैं उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है या ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे अभी आपने ये वेब पेज देखा, वेब पेज बिल्कुल वाइट कलर का दिख रहा है, टेक्स्ट ब्लैक कलर से बाई डिफॉल्ट दिख रहे हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ। जैसे बॉडी, बॉडी में मैंने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज किया है बीजी कलर, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में टैग एंड एट्रीब्यूट नाम से मैं एक पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, ये संभवतः इवनिंग तक आपको मिल जाएगी। बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल टू मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ जैसे रेड ठीक, फिर इसको सेव करते हैं। ध्यान देना मैंने इसको सेव कर दिया है और यहाँ पे जो था उसको टाइटल में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर मैं सेव करता हूँ, सेव करने के लिए फाइल मेनू पे गए चूँकि ऑलरेडी सेव है, मैंने सेव पे सीधे क्लिक कर दिया है तो कंट्रोल एस दबा देते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। अब मैं इस पेज को दोबारा अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा यहाँ रेड कलर हो गया, पेज का कलर क्या हो गया, बीजी कलर एक मैंने यूज किया था, बीजी कलर स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज। आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, आपने यहाँ से मान लीजिए ग्रीन ले लिया तो ग्रीन कलर, अगर हमने इसको सेव किया है और इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ के वापस रीलोड करते हैं तो यहाँ देखिए ग्रीन कलर आ गया। तो आप क्या समझ पाए, टैग क्या होते हैं, टैग ब्राउजर को ये बताते हैं HTML ब्राउजर को कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले कराना है। एट्रीब्यूट जबकि उन टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं, क्या होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर। अब हम लोग कुछ और देख सकते हैं, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पर था, इसी में HTML का सेकेंड पार्ट था।
जो मुझे पढ़ाना था। HTML का सेकंड पार्ट, ये PPT आप लोगों को पूरी कर ली थी मैंने। मैं देख लूँ ज़रा, इसमें लास्ट स्लाइड क्या थी, ये यहाँ पे देखिए बॉडी टैग एंड एट्रीब्यूट, ये मैंने कल नहीं बताया था आप लोगों को, केवल यहीं तक मैंने पढ़ा के छोड़ दिया था। अब आज उसके टैग और एट्रीब्यूट, जैसे बॉडी टैग कैसे लिखा जाता है और उसका वो क्या काम करेगा, फिर जैसे बीजी कलर, फिर यहाँ पे उस कलर का नाम लिखेंगे और क्या हो जाएगा, वो कलर चेंज कर देगा जो भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट कोई इमेज प्लेस करने के काम आता है। जैसे मान लीजिए मुझे कलर नहीं चाहिए, उस वेब पेज पर मुझे कोई इमेज चाहिए, तो इमेज का जो भी नाम होगा वो नाम हम यहाँ लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो वो इमेज उस बैकग्राउंड में प्लेस हो जाएगी। जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट कलर क्या करेगा, टेक्स्ट कलर करता है, जैसे मान लीजिए हम इसी में देखें, यहाँ पे अगर हम और आगे एक और यूज करते हैं टेक्स्ट, कैसा एट्रीब्यूट था ये, यहाँ ध्यान से देखिए ये एट्रीब्यूट कैसा था। यहाँ पर हमको टेक्स्ट लिखना है इक्वल टू में कलर का नाम लिखना है, तो मैंने टेक्स्ट लिखा इक्वल टू लगा के कलर का नाम लिखते हैं। कलर का नाम क्या होगा, जैसे कि अगर मैं कोई कलर यूज करता हूँ, इसमें अभी ब्लैक कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर से ग्रीन कलर बैकग्राउंड का है और ब्लैक से टेक्स्ट लिखे हैं, मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं रेड से, मान लीजिए मैंने इसको रेड यूज किया, तो यहाँ पे मैंने रेड लिख दिया, ठीक है, और इसको सेव करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए जो ब्लैक टेक्स्ट है वो रेड हो चुके हैं, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। इसी तरह और भी एट्रीब्यूट है, कौन कौन सा, जैसे मैंने टेक्स्ट एट्रीब्यूट है, लिंक एट्रीब्यूट होगा, ए लिंक स्टैंड फॉर एक्टिव लिंक, वी लिंक स्टैंड फॉर विजिटेड लिंक, तो इन सबके कलर बाय डिफॉल्ट तो कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन हम उनका चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बॉडी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट, ये हेडिंग है कि आप बॉडी टैग और उसके जो जो एट्रीब्यूट हो सकते हैं।